न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फायर ब्रिगेड की 9 गाड़ियों और 2 बाउजर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। शहर भर में फायर टेंडर्स भी पहुंचे। लाखों रुपए का सामान जलकर खाक। सऊदी अरब में बड़ी तब्दीली आ गई। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान ने खातीन को ड्राइविंग की इजाजत दे दी। अरब न्यूज एजेंसी के मुताबिक खादिमुल हरमैन शिफैन ने शामी हुक्मनामा भी जारी कर दिया। मर्दों के साथ साथ खातीन भी बिला तफरीक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकेंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर शुमाली कोरिया पर हमले की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शुमाली कोरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। शुमाली कोरिया का कहना है अमरीका ने जंग मुसल्लत की तो उसके दांत खट्टे कर देंगे। कुर्द अवाम ने अलग रियासत कुर्दिस्तान के हक में वोट दे दिया। तुर्क सदर ने खबरदार किया है कि आजादी की कोशिश से इलाके में नस्ली जंग शुरू हो सकती है। इराक ने कुर्द इलाकों में एयरपोर्ट्स का निजाम अपने हाथों में लेने का ऐलान कर दिया। पोप फ्रांसिस के इस्लाहात एजेंडे के खिलाफ कदामत पसंदों ने महास बना लिया। कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा के खिलाफ खत पर 62 पादरियों ने दस्तखत कर दिए। पोप मसीहत की बुनियादी तालीमात पे तहरीक कर रहे हैं। शादी तलाक जैसे मामलात पर पोप के ख्यालात से इख्तलाफ है। खत का मतन। भारत ने अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अफगानिस्तान में भारतीय फौज भेजने की अमरीकी तजवीज रद्द कर दी। वजीर दिफा निर्मला का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि भारत अफगानिस्तान में सरमायाकारी तो कर सकता है लेकिन फौज नहीं भेज सकता। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला। पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम हलाक। रिक्शा ड्राइवर मुलजिमों की गोलियों का निशाना बनकर दम तोड़ गया। लाशें अस्पताल मुंतकिल। नाजायज असासा जात रेफरेंस एहतसाब अदालत आज इसाक डार पर पर्दे जुर्म आयद करेगी। वजीर खजाना पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। इसाक डार 50 लाख के जमानती मचल के भी जमा कराएंगे। वजीरे आजम शाहिद खाकान अब्बासी का इसाक डार को इस्तीफे का मशवरा। वजीरे खजाना ने इनकार कर दिया। चौधरी निस्तार भी ओहदा न छोड़ने के हामी। नवाज शरीफ साबिक वजीरे दाखला से पार्टी मामलात मीडिया पर ना लाने की बात मनवाने में कामयाब। 92 न्यूज दिन भर की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। एहतसाब अदालत में रेफरेंसेस की समाअत। नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज। रेफरेंसेस की कॉपियां साबिक वजीर आजम के हवाले कर दी गईं। 2 अक्टूबर को फिर पेश होने का हुक्म। अगली पेशी पर फर्दे जुर्म भी लगेगी। नवाज शरीफ के बच्चों और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत चारों पर 2 अक्टूबर को फर्दे जुर्म लगाएगी। 92 न्यूज एक बार फिर सबसे तेज सबसे आगे। नवाज शरीफ के लंदन से वतन वापसी की खबर 24 सितंबर को सामने आई लेकिन 92 न्यूज ने यह खबर 20 सितंबर को ही ब्रेक कर दी थी। 92 न्यूज के प्रोग्राम न्यूज रूम में खावर घुम्मन ने नवाज शरीफ की वतन वापसी की खबर दी थी। सजाएं मिल जाती हैं लेकिन उन्हें कोई तस्लीम नहीं करता। हम कैसे इस फैसले पर ईमान ले आए। अदालत में पेशी भी अदलिया पर तनकीद भी। नवाज शरीफ की नैब अदालत हाजिरी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले इंसाफ और कानून के तकाजे पामाल हो रहे हैं। अपीलों के हक से महरूम किया गया। आमलियत के पिटे हुए मुकदमात को इस्तेमाल किया जा रहा है। पता है क्यों निकाला गया। साबिक वजीर आजम के JIT अरकान पर भी वार। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक वजीर आजम के सिक्योरिटी गार्ड्स का
92 न्यूज के रिपोर्टर शाह खालिद पर तशद्दुद, मोबाइल फोन छीन लिए, तोड़कर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज के जरिए वापस किए। सहाफियों का एहतजाज, नवाज शरीफ ने माजरत कर ली। नवाज शरीफ के खिलाफ एक और केस खुल गया। नैब ने बतौर वजीर आला पंजाब एलडीए के प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम की तहकीकात शुरू कर दी। प्लाट हासिल करने वाले 13 अफराद की 29 सितंबर को तलबी समन जारी कर दिए गए। मुल्क भर में ऑपरेशन रद्दुल फसाद कामयाबी से जारी। फोर्सेज का खैबर एजेंसी के इलाकों बाड़ा, कमरखेल और बादगड़ी में एक्शन। भारी मिकदार में गोला बारूद बरामद। हल्की मशीन गन, दस्ती बम, मार्टर गोले और रॉकेट भी शामिल। वो जन्नती है जो भी बुलावे फरीद है। पतन में बाबा फरीद गंजकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। बहिश्ती दरवाजा खोल दिया गया। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद जमा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रंगों के शहर पेरिस में फैशन वीक का आगाज। इंटरनेशनल फैशन ब्रांड्स के मलबूसात पहने मॉडल्स ने रैंप पर खूब जलवे बिखेरे। हॉल में मौजूद शायकी ने रेडी टू वेयर जैकेट्स, गाउन, ट्राउजर्स और दीगर मलबूसात में गहरी दिलचस्पी ली।